देवरिया में प्रशासनिक लापरवाही के चलते नदियों में कटान से यहां के स्थानीय ग्रामीण खौफ में हैं। बता दें कि बारिश के मौसम में नदियों में कटान के चलते परसिया कुरे गांव पहले ही बह चुका है। अगर प्रशासन अभी भी नहीं जगा तो इस क्षेत्र के कटैलवा, देवसिया और कोइसलवा समेत अन्य गांव के भी बह जाने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियंता राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि कटान को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सुनवाइया नहीं है, बाढ़ आयल बा, कटान आयल बा, कोई सुनवाइया नहीं ना केहू हमन के खोजे वाला बा। एक बेर कट के नहीं आता केहू सुनल नहीं। हाँ, वो कटैलवा गांव के पास घाघरा नदी जो है काफी कटान कर रही है, उसके लिए एक परियोजना हम लोगों ने लगभग 55 करोड़ की ब्लेसिंग को थी दी है, जिसका कुछ ऑब्जर्वेशन कर गए हैं। और इलीगल माइनिंग से जो खतरा इस साल जो बना और जिसपे अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट में परियोजना बनी थी 55 से 31 लाख रुपए की, जो आजकल भारत सरकार के यहाँ पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो गलती अखिलेश गवर्नमेंट ने किया था वो वर्तमान सरकार भी कर रही है। और यदि लोगों ने बहुत समय रहते चेते नहीं तो आने वाले कल में दिवसिया, जहाँ 12 करोड़ की परियोजना लंबित है, पैसा रिलीज नहीं हुआ, परसों डीएम भी गए थे वहाँ देखने के लिए,